The next important topic in your liquids is the liquefaction of gases. Liquefaction आप समझते ही होंगे क्या होता है बच्चे. Liquefaction is a process of conversion of a gas into a liquid state. गैस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना इज योर लिक्विफिकेशन. अब लिक्विफिकेशन में दो इम्पॉर्टेंट यू नो कंडीशंस आ जाती हैं. एक है टेम्परेचर एंड द सेकेंड वन इज प्रेशर. दीज टू कंडीशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिक्विफिकेशन ऑफ योर गैसेस. कैसे? टेम्परेचर हमने बात की. जैसे ही आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, जब आप टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर रहे है ना. मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जो उसको गैशियस स्टेट में इजीली रहने में हेल्प करती है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं आपके गैसेस में, उस एनर्जी को भी आप रिड्यूस करते हो एज यू रिड्यूस द टेम्परेचर. जब वो एनर्जी रिड्यूस होगी तो मॉलिक्यूल्स उतने फ्रीली मूव नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के पास आएंगे एंड दे विल इजिली यू नो अट्रैक्ट वन अनदर, इजिली इंटरैक्ट विद वन अनदर, आपस में बॉन्ड बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी एंड दे कैन गेट इजिली लिक्विफाइड. उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द लिक्विड फॉर्म. प्रेशर, जितना हाई आप प्रेशर लगाओगे अपने गैस मॉलिक्यूल्स में, हाई प्रेशर मतलब आप कंप्रेस करोगे अपने गैस मॉलिक्यूल्स को. आप कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर हाई लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो. जैसे ही इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका रिड्यूस होगा, मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड फॉर्म सम बॉन्ड. ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल हेल्प इन इट्स कन्वर्जन फ्रॉम गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट. आपके जो गैसेस हैं वो इजिली लिक्विड स्टेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो यू कैन कन्वर्ट योर गैसेस बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. इन बोथ द स्टेट्स यू आर बेसिकली रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ योर मॉलिक्यूल्स एंड ब्रिंगिंग देम टुगेदर इन क्लोज कंटैक्ट विद वन अनदर, ताकि वो आपस में इंटरैक्ट कर सके और जो कोहेसिव अट्रैक्शंस हैं वो बना सके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे. लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं. ये टर्म्स डिफाइन करनी आ जाती हैं कई बार एग्जाम में. बहुत सिंपल है बट आइडेंटिफाई कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उस टर्म में. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर अबव विच कन्वर्जन ऑफ अ गैस टू लिक्विड स्टेट इज इम्पॉसिबल. ये वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर, उससे ज्यादा अगर आप टेम्परेचर कर दोगे तो आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो वॉट आई कैन से, इस स्टेटमेंट को अगर मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, मैं क्या कर कह सकती हूँ कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे आई कैन कंप्रेस अ गैस. इट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके नीचे मैं अपनी गैस को कंप्रेस कर सकती हूँ. आई कैन से दिस. और वॉट आई कैन से, इट इज दैट टेम्परेचर अबव विच आई कैन नॉट यू नो लिक्विफाई माई गैस. सो इस स्टेटमेंट को, इस क्रिटिकल टेम्परेचर को अगर मैंने डिफाइन करना है, आई कैन डिफाइन इन थ्री वेज. वन, इट इज दैट टेम्परेचर अबव विच कन्वर्जन ऑफ गैस टू द लिक्विड स्टेट इज इम्पॉसिबल. ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर उसमें अप्लाई कर दो बट उस टेम्परेचर के अबव आपकी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी. और आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो द टेम्परेचर बिलो विच कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड इज पॉसिबल. ये वो टेम्परेचर है बिलो विच आप कन्वर्ट कर सकते हो आपकी गैस को लिक्विड में. और आप क्या कह सकते हो, इट इज अ टेम्परेचर अबव विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिक्विड स्टेट इज नॉट पॉसिबल. इस टेम्परेचर के ऊपर आपकी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होना आपके मॉलिक्यूल्स के लिए वो पॉसिबल नहीं. ठीक है, क्योंकि आप गैस को कंप्रेस कर ही नहीं सकते इस टेम्परेचर के ऊपर, चाहे जितना मर्जी प्रेशर लगा. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म. द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज द क्रिटिकल प्रेशर.
the minimum amount of pressure required to convert the gaseous state to the liquid at its critical temperature. क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो मिनिमम प्रेशर आपको चाहिए वेयर यू विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैशियस स्टेट टू द लिक्विड इज योर क्रिटिकल प्रेशर. ठीक है बच्चे, दिस इज वेरी इजी. थर्ड, क्रिटिकल वॉल्यूम. क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन हो गया और वहां क्रिटिकल प्रेशर भी अटेन हो गया, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ द गैस. ए वन मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? दैट इज योर क्रिटिकल वॉल्यूम. सो इफ आई अगेन समराइज देम, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? वो टेम्परेचर जिससे ऊपर आप गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यू कैन से कि वहाँ आपकी लिक्विड स्टेट में जो आपकी गैसेस हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी. क्रिटिकल प्रेशर, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैसेस स्टेट टू द लिक्विड इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल वॉल्यूम, जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर अटेन हो गया तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस इज योर क्रिटिकल वॉल्यूम. एंड लास्ट इज योर क्रिटिकल फिनोमिनन. क्रिटिकल फिनोमिनन क्या है? द स्टेट एट विच बोथ लिक्विड एंड गैस बिहेव आइडेंटिकली, इट इज योर क्रिटिकल स्टेट, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द क्रिटिकल फिनोमिनन. ठीक है, ये वो स्टेट है जहां आपकी लिक्विड और गैस आइडेंटिकली बिहेव करेंगी. ठीक है, एंड उस फिनोमिनन को हम कहेंगे क्रिटिकल फिनोमिनन. नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस. फर्स्ट मेथड है आपका फेराडेस मेथड. फेराडेस मेथड में क्या होता है, यू हैव वन ट्यूब, वी शेप की ट्यूब है, यू कैन इजीली सी ओवर हियर, ये एक वी बेंडेड ट्यूब है जिसमें एक साइड, ऑन दिस साइड यू हैव योर रिएक्शन मिक्सचर. रिएक्शन मिक्सचर मतलब आपका कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड सम गैस इज गेटिंग इवॉल्व फ्रॉम इट. ठीक है, इस एंड पे यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर बिकॉज दिस रिएक्शन यू नो इन्वॉल्व सम हीट. कुछ हीट एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा. So here some gas is getting evolved as in the form of some product. The gas moves to the other end of your bent tube which is placed in your eyes. So as soon as the gas molecules come in contact with your ice cubes, it basically reduces its temperature. और जैसे ही temperature reduce होता है आपकी gas जो है वो liquefy होनी start हो जाती है. This simple method cannot be employed for each and every gas because कुछ limitations होती है, कुछ restrictions होती है हर method की. इस method की ये restriction है कि वो gases जिनका critical temperature is more than the atmospheric pressure, pressure, ठीक है, जिनका critical temperature is more than the atmospheric pressure, only those gases can be liquefied using the Faraday's method. ठीक है बच्चे, so this was my first method. The second method is the Linde's method. Linde's method में क्या होता है, if you look at this figure clearly, यहां से आप you are including some fresh air into it, आप fresh air add कर रहे हो, वो fresh air is getting compressed over here, यहां पे आप उसको compress कर रहे हो, ये जो C आपका है that is your compressor. ठीक है, कंप्रेसर आपकी फ्रेश एयर को कंप्रेस कर रहा है एंड वाइल पासिंग दिस गैस थ्रू अ ट्यूब यू हैव वन ई कंपोनेंट ओवर हियर. दिस ई कंपोनेंट इज योर कंडेंसर. दिस बेसिकली रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ योर कंप्रेस्ड गैस. ठीक है, इस कंडेंसर में से यू आर पासिंग अमोनिया, लिक्विफाइड अमोनिया आप पास कर रहे हो जो बहुत लो टेम्परेचर में होती है. सो वंस योर गैस मॉलिक्यूल्स लीव्स दिस कंडेंसर यू आर रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर सो मच. अब आपके पास लो टेम्परेचर पे कंप्रेस्ड गैस अवेलेबल है. जैसे ही वो गैस इस ट्यूब के रस्ते नीचे आपके कंटेनर में मूव करेगी, कंटेनर तक पहुंचेगी, आपके पास कूल कंप्रेस्ड गैस है. जैसे ही आप वॉल्यूम उसको प्रोवाइड कर रहे हो और यू आर एडिंग दैट गैस
टू अ लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, जैसे ही आपकी कोल्ड कंप्रेस्ड गैस एंटर्स अ लो प्रेशर एरिया तो क्या होगा, दैट गैस विल गेट लिक्विफाइड, ठीक है बच्चे. सो यू विल कलेक्ट योर सैंपल एट द बेस, जो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे वो वापस एज इन द फॉर्म ऑफ अ रेजिडुअल गैस दे विल मूव बैक टू योर कंप्रेसर, इट विल अगेन गेट कंप्रेस्ड, अगेन गेट कूल्ड, देन योर कूल्ड कंप्रेस्ड गैस विल अगेन मूव टू द लो प्रेशर एरिया वेयर इट विल गेट लिक्विफाइड. सो दिस कंस्ट्रक्शन और दिस मेथड इज कॉल्ड द लिंडेज मेथड. आई होप दिस मेथड इज क्लियर, ठीक है बच्चे. The third method is the Claudius method. Claudius method की construction somewhat similar है to the Lindes method, but here आप क्या कर रहे हो, आप अपनी cool compressed gas को simply liquefy नहीं कर रहे, आप उसको force कर रहे हो that gas do some work. जैसे ही वो gas work करेगी, cool compressed gas जैसे ही work करेगी, it will lose its energy. एनर्जी लूज करेगी एंड गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर लिक्विड. दिस मेथड इज समवट फास्टर देन योर लिंडेज मेथड बिकॉज हियर यू आर जस्ट नॉट यू नो एक्सपोजिंग योर कूल कंप्रेस्ड गैस टू द लो प्रेशर एरिया बट यू आर ऑल्सो फोर्सिंग योर कंप्रेस्ड गैस टू डू सम वर्क. सो हियर अगेन यू एड सम फ्रेश एयर इनटू योर कंप्रेसर, यहाँ पे वो कंप्रेस होगी. The gas will move through your tube. It will get cooled in the presence of this component. You are passing liquid ammonia through your condenser. After getting cooled, your cool compressed gas enters a container where the container is at low pressure, number one. Second, your gas, if the container is connected to some, this piston. एक पिस्टन के साथ कनेक्टेड है, जैसे ही गैस इस कंटेनर में ऐड होगी दैट गैस विल वर्क ओवर हियर, पिस्टन को पुश करेगी टू मूव आउटवर्ड्स, पिस्टन आपका बाहर मूव करेगा, गैस विल लूज इट्स एनर्जी, गैस एनर्जी लूज करेगा, प्रेशर आपका एकदम लो हो रहा है, देन योर गैस इज एट लो टेम्परेचर, इट विल गेट liquefied and get collected at the base, from where you can remove it. The residual gas, like in your Claudius method, it can move back to your compressor and it can again, get entered into the loop. ठीक है बच्चे? Next आ जाती है राजे application of your liquefaction of gas. Out of many application, the most important application from the pharmaceutical point of view is your aerosols. I hope you are अवेयर की एरोसोल्स होते क्या है. इफ आई डिफाइन एरोसोल्स, एरोसोल इज अ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट व्हिच अपॉन एक्चुएशन एमिट अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड एंड और सॉलिड मटेरियल इन अ गैशियस मीडियम. आई होप यू पीपल हैव सीन वो इनहेलर्स, सबने देखे होंगे है ना, इनहेलर्स देखे होंगे, इनहेलर्स नहीं भी देखे तो एटलीस्ट परफ्यूम बॉटल्स तो आपने देखी ही है, ठीक है. दीज ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल्स. एरोसोल्स में होता क्या है, आपकी मेडिकामेंट होती है, मेडिकामेंट अलोंग विद सम प्रोपेलेंट, जो कंपोनेंट हम डिफाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर एरोसोल जो बेसिकली उसकी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, उसको हम बोल देते हैं प्रोपेलेंट. प्रोपेलेंट एक कैरियर है जो आपकी मेडिकामेंट को थ्रू एरोसोल्स कैरी करता है, ठीक है बच्चे. सो इन एरोसोल्स आप क्या करते हो, अगर आपने परफ्यूम को इमेजिन करते हो या मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर फार्मास्यूटिकल वे से यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो जस्ट इमेजिन दैट इनहेलर कंटेनर. इनहेलर के कंटेनर में क्या होता है, आपका एक कंटेनर होता है जिसमें मेडिकामेंट एंड योर प्रोपेलेंट इज प्रेजेंट. You basically press that container and you get a mist of particles. ठीक है बच्चे? If I show you a figure, this is not the figure of your inhaler, but it is a very common figure for your aerosols, in which you have one container जिसमें आपका propellant present है and along with propellant you have your medicament. ठीक है, एक dip tube होती है.
होती है जो आपकी प्रोपेलेंट एंड मेडिकामेंट के मिक्सचर में डिप हुई होती है. ठीक है बच्चे, यू हैव अ वॉल्व असेंबली ओवर हियर एंड एन एक्चुएटर एट द टॉप. एक्चुएटर इज बेसिकली दैट पोजिशन विच यू प्रेस व्हेन यू वांट कि आपकी मेडिकामेंट बाहर आए अपने कंटेनर में से. एंड वॉल्व इज एन असेंबली विच बेसिकली हेल्प्स टू मेजर द मतलब क्वांटिटी ऑफ योर मेडिकामेंट एंड प्रोपेलेंट एक एक्चुएशन में, एक एक्टिवेशन में कितनी क्वांटिटी आपकी बाहर आनी चाहिए, दैट वॉल्व डूज दैट वर्क. ठीक है बच्चे, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एक्चुएटर एंड वॉल्व बेसिकली हेल्प इन प्रॉपर यू नो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर डोजेज ऑफ योर एरोसोल्स. So in aerosols, you have few important component. First is your propellant, second is your container, third is your valve and actuator assembly, and fourth is your product concentrate. अब इसमें product concentrate में मेरी medicament होगी, ये important component है अगर मैं pharmaceutical perspective से बात करूँ aerosols की. Propellant is the carrier which basically carries my product concentrate. ठीक है, मेरा product concentration itself एडमिनिस्टर नहीं, इटसेल्फ मैं डिलीवर नहीं कर सकती टू द साइट ऑफ एप्लीकेशन. उसको डिलीवर करने के लिए और थ्रू एरोसोल प्रॉपर मिस्ट बनाने के लिए आई नीड वन कंपोनेंट, वन एक्सीपिएंट विच इज कॉल्ड प्रोपेलेंट. प्रोपेलेंट्स जो एरोसोल्स में है वो दो तरह के प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं. द फर्स्ट वन आर योर लिक्विफाइड गैस and the second one are your compressed gas. दो तरह के propellant होते हैं, एक होते हैं liquefied gas और दूसरे होते हैं compressed gas. Liquefied gas में क्या होता है बच्चे, आपकी if I make one diagram, container का ही अगर मैं diagram बनाऊँ, नीचे आपका product concentrate होगा सबसे नीचे, ऊपर आपकी उसी तरह से assembly लगी हुई है which is necessary for an aerosol container. एक्चुएटर भी होगा, वॉल्व भी होगा और डिप ट्यूब भी होगी. उस कंटेनर में सबसे नीचे आपकी मेडिकामेंट होगी, दिस इज योर मेडिकामेंट. उसके ऊपर आपकी लिक्विफाइड गैस, दिस वन इज योर लिक्विफाइड गैस. एंड अबव दैट लिक्विफाइड गैस यू हैव योर गैस. ठीक है, सेकेंड आपकी आ जाती है कंप्रेस्ड गैस. इन कंप्रेस्ड गैस वॉट यू विल हैव, यू विल हैव योर मेडिकामेंट एट द बेस एंड अबव यू विल हैव योर कंप्रेस्ड गैस. यहां आपके ऊपर कंप्रेस्ड गैस है, दोनों का फंक्शन सेम है. क्या होगा, डिप ट्यूब आपकी राजे बेस तक डिप्ड होती है, सो ऑलवेज योर मेडिकामेंट विल कम आउट. ठीक है, व्हेन यू प्रेस योर एक्चुएटर. सो क्या होता है, दिस ऑल दीज थिंग्स, दिस लिक्विफाइड गैस, गैस एंड मेडिकामेंट एंड योर कंप्रेस्ड गैस, जो भी प्रोपेलेंट है वो अलॉन्ग विथ योर मेडिकामेंट अंडर प्रेशर आपने फिल किया हुआ है इस कंटेनर में, इसलिए इसको प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म भी कहते हैं. कंटेनर आपका सील बंद है, उसमें से मेडिकामेंट तभी बाहर आएगी व्हेन यू प्रेस दैट एक्चुएटर. ठीक है, जब आप एक्चुएटर को प्रेस करोगे तभी आपकी मेडिकामेंट बाहर आएगी. वंस यू प्रेस दैट एक्चुएटर तो क्या होता है, प्रेशर एकदम से रिड्यूस होता है एंड द मेडिकामेंट गेट पम्प्ड आउट एंड द स्पेस विच is created once your medicament come out that will be taken up by the gas जो आपकी वहां पे available है. गैस की प्रॉपर्टी है, उसको जितनी भी स्पेस दोगे वो उसमें अपने आप को एक्सपैंड कर लेगी. ठीक है बच्चे, सो इन योर लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट वाली एग्जाम्पल्स, उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने एक्चुएटर दबाया आपकी मेडिकामेंट बाहर आई, कुछ रेशो आपकी गैस की इज प्रेजेंट इन द लिक्विफाइड गैस फॉर्म, अदर इज प्रेजेंट इन द गैस फॉर्म, तो वो रेशो डिस्टर्ब होगी, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. आफ्टर दैट मेडिकामेंट्स कम आउट अगेन, दैट इक्विलिब्रियम विल री एस्टेब्लिश, कुछ लिक्विफाइड गैस विल गेट कन्वर्टेड इन टू द गैस और वो जो प्रेशर इनिशियली आपकी कंटेनर में था दैट प्रेशर विल बी मेंटेन्ड इवन आपने दो तीन डोजेस उसमें से निकाल ली.
इन केस ऑफ कंप्रेस्ड गैस इस तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, बट आपकी गैस अंडर सो मच प्रेशर है कि आप जितनी बार उसमें से मेडिकामेंट रिमूव करोगे दैट गैस विल हैव सफिशिएंट प्रेशर, वो कंटेनर में रखेगी अपना उतनी देर तक जब तक आपकी लास्ट डोज ऑफ मेडिकामेंट जो है वो बाहर नहीं निकल जाती। अब कौन सी लिक्विफाइड और कौन सी कंप्रेस्ड गैस है दैट विल टोटली डिपेंड कि उन गैसेस की क्या प्रॉपर्टी है। इफ आई नेम फ्यू एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लिक्विफाइड गैस यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन, you have the example of butane, you have the example of trichloromonofluoromethane, जिसको आप propellant 11 भी बोल देते हो, इसका trade name propellant 11 है, and then you have propellant 12 which is dichloro difluoromethane. तो आपके पास कुछ range of gases हैं जो under pressure liquefy हो जाती हैं, उनको आप use कर सकते हो as liquefied gas propellant. कुछ gases हैं जो liquefy नहीं होती but वो compress हो जाती हैं, उसमें एग्जाम्पल है आपकी नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यू कैन सिलेक्ट आउट ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज। ये तो हो गए कंपोनेंट्स जो आपके एरोसोल्स में होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एरोसोल्स को इफेक्टिव बनाती है, दे आर योर कंटेनर एंड द वॉल्व असेंबली। कंटेनर और वॉल्व और एक्चुएटर असेंबली जब तक होंगी तभी आपकी अंडर प्रेशर you know you can add your medicament and propellant into one that assembly at system mein aap aerosol system aap bana sakte theek hai. So if I summarize components of aerosol, you have propellant jo do tarah ke ho jate hain, liquefied gas and compressed gas, you have a container, you have a valve and actuator, and third fourth you have a product gas. Next, if I talk about the advantages and disadvantages of your aerosols, you have advantages mein you can easily summarize, yaad kar lo aap apne inhalers ki, they are very easy to use, aapka patient easily usko use kar leta hai. Inhalers always are recommended for respiratory issues because they have a very fast onset of action. इनका बहुत fast onset of action होता है. एक drug को आपने ingest करना है, वो ड्रग को आपने पहले जीआईटी में लेके गए, व्हेन यू टेक बाय द अदर कन्वेंशनल रूट फॉर एग्जांपल द ओरल रूट, आपने पहले इंजेस्ट की, वहाँ से वो डिसॉल्व हुई, फिर वो अब्सॉर्ब हुई, फिर थ्रू ब्लड दैट ड्रग बेसिकली रीचेस योर लंग्स, जहाँ पे आपकी कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है फॉर विच यू वॉन्ट कि आपकी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर हो जाए. ठीक है बच्चे, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू टेक इनहेलर डायरेक्टली, आपकी जो मेडिकामेंट है डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे रीच कर रही है, वेयर इट वॉज सपोज टू रीच जब आप दूसरे रूट से ले रहे थे थ्रू द ओरल रूट, इट इज रीचिंग योर लंग्स एंड बाय इनहेलर इट इज डायरेक्टली रीचिंग दैट साइट. सो यू आर बेसिकली रिड्यूसिंग दैट ऑनसेट ऑफ एक्शन वाला टाइम, उससे आपकी जो ड्रग है वो बहुत क्विकली एक्ट करती है एंड और यू सी अ वेरी फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू बेसिकली अवॉइड योर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर लेते हैं. इफ यू नो वॉट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इट इज यू नो कुछ ड्रग्स जो है वो अपनी वेन यू ड्रग्स गेट अब्सॉर्ब थ्रू योर जी आई टी, दे बेसिकली आपके जो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है. ब्लड जब आपका वापस मूव कर रहा है ना फ्रॉम द जी आई टी, इट पासिस थ्रू लिवर. लिवर में यू हैव सो मच एंजाइम्स, लिवर इज योर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो फूड कंपोनेंट्स को भी मेटाबोलाइज करती है. अलॉन्ग विद दैट इट हैज सो मच मशीनरी इन इट कि कोई भी चीज उसके उसमें से पास करेगी, दे विल मेटाबोलाइज. अब ड्रग भी आपका कोई ना कोई केमिकल है, वो ड्रग भी आपकी मेटाबोलाइज हो जाती है व्हेन इट पासेस थ्रू द थ्रू योर लिवर. एंड वंस योर ड्रग गेट मेटाबोलाइज, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है बच्चे, सो कुछ ड्रग्स के केस में इतनी फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाती है कि वो अब्सॉर्ब होते ही आपकी मेटाबोलाइज होके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही. बिकॉज वी नो कि मेटाबॉलिज्म का मेन रोल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि
आपकी वो कंपोनेंट बॉडी से इजिली रिमूव आउट हो जाए, मेटाबॉलिज्म का और कोई इफेक्ट नहीं होता. यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ योर मॉलिक्यूल, चाहे वो आपकी कोई ड्रग हो, चाहे वो कोई फूड कंपोनेंट है. वो लिवर ने क्या काम करना है, उसने विदाउट एनी डिस्टिंक्शन उस कंपोनेंट को, उस केमिकल को मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. पोलर फॉर्म में क्यों? बिकॉज पोलर कंपोनेंट्स आर इजी टू गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम योर बॉडी. ठीक है बच्चे, तो कुछ ड्रग्स की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतनी हो जाती है कि वो ड्रग जैसे ही बॉडी में अब्सॉर्ब हुई, अभी वो मूव करके अपनी साइट ऑफ एक्शन पे ही जा रही थी, बट बिकॉज रास्ते में उसको लिवर में से क्रॉस होना है, लिवर में इतनी हैवी मेटाबॉलिज्म हो जाती है दैट दैट ड्रग लूजेज इट्स एफिशिएंसी. ठीक है बच्चे, इन दैट केसेस व्हाट यू जनरली डू इज कि हम कोई अल्टरनेट रूट फाइंड आउट करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ओरल रूट, जिससे हमारी ड्रग्स उस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सके. सो इन माई इनहेलर्स और इन माई एरोसोल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनहेलर्स की बात करूँ, तो वहाँ क्या है, आपकी ड्रग जो है वो ब्लड में डायरेक्टली नहीं जा रही, वो सीधा साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है. सो यू आर बेसिकली अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट एडवांटेज, इफ यू कैन इंटरप्रेट, इनहेलर्स में यू आर नेवर इन कंटैक्ट विद योर ड्रग्स और एनी मेडिकामेंट, है ना. किसी ड्रग के, किसी मेडिकामेंट के आप कभी कंटैक्ट में नहीं आते. टेबलेट की, टेबलेट भी जब आप खोलते हो, पहले हाथ में रखते हो, फिर उसको मुंह में डालते हो, सो दे आर अ चांसेस कि आप कंटेमिनेट कर सकते हो इफ यू हैव नॉट वॉश योर हैंड. बट इस केस में आप, इफ यू हैव 200 डोजेस इन वन इनहेलर, देन एवरी डोज इज फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इन कंटैक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट विथ योर मेडिका. ठीक है बच्चे, यू आर कंट्रोलिंग द डोज, आप हर बार डोज को कंट्रोल कर रहे हैं. लिक्विड ओरल्स लेते हो, आपको कहा जाता है 1 टीस्पून. फर्स्ट ऑफ ऑल लेमैन को ये नहीं पता होता कि टीस्पून की वॉल्यूम क्या है, टेबल स्पून की वॉल्यूम क्या है. अगर आपको टीस्पून स्पेसिफाई किया है एक पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, सो दे हैव स्पेसिफाइड सम पर्टिकुलर वॉल्यूम टू यू. ठीक है, आप क्या करते हो, जो भी घर में स्पून होता है यू सिंपली टेक दैट मेडिसिन. तो इसमें क्या हो जाता है, चांसेस कि आप कुछ ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो या कुछ कम अमाउंट ले रहे हो, वो बहुत इंक्रीज हो जाता है. हियर यू हैव फिटेड सम वॉल्व एंड एक्चुएटर असेंबली जो अपने आप मेजर करेंगे कि एक पुश में, एक पंप में आपकी कितनी मेडिसिन आप में डिलीवर होनी चाहिए. सो यू आर कंट्रोलिंग एंड यू आर रेगुलेटिंग कि आपकी हर बार यूनिफॉर्म वॉल्यूम आप एडमिनिस्टर करें. यू बेसिकली प्रोटेक्ट द फोटो सेंसिटिव एंड द ऑक्सीजन सेंसिटिव मटीरियल्स बिकॉज यू आर नॉट, आपके कंटेनर में जो मेडिकामेंट है वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं होती, सो यू आर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम, यू आर फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. एंड सेकेंड, वो सील्ड है, सो योर मेडिकामेंट इज नॉट गेटिंग इन कंटैक्ट विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन योर एरिया. सो आप उसके डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड यू आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग इट्स एफिशियंसी. इट रिड्यूसेस द इरिटेशन बिकॉज अननेसेसरी कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके रिमूव आउट हो जाते हैं. यू ओनली नीड वन प्रॉपरेंट. ठीक है बच्चे, रिड्यूस्ड इरिटेशन कैन, आप इसको डिसएडवांटेज में भी रख सकते हो, वेयर समटाइम्स सम प्रॉपरेंट बेसिकली इंक्रीजेज द इरिटेशन. कुछ प्रॉपलेंट से ही लोगों को इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ठीक है, सो यू कैन पुट इट हेयर बिकॉज यू आर रिमूविंग द अननेसेसरी जो आपके एक्सीपिएंट्स है उसको रिमूव कर रहे हैं. यू आर रिड्यूसिंग योर पार्टिकल साइज सो मच, फर्दर यू आर रिड्यूसिंग योर डोज सो मच. आप अपनी ड्रग की डोज इतनी कम कर रहे हो क्योंकि ड्रग डायरेक्टली मेरी साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है. यू आर नलीफाइंग के रस्ते में मेरी कुछ ड्रग ने डिजॉल्व ही नहीं किया था, अगर मैं ओरल से लेती कुछ ड्रग ने मेरी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिग्रेड हो गई, कुछ ड्रग मेरी जीआईटी में जो माइक्रोबैक्टीरिया है उसने डिग्रेड कर दी, कुछ ड्रग मेरी एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन की वजह से डिग्रेड हो गई. तो वो फैक्टर्स आप जब नलीफाई कर देते हो तो आप बहुत कम अमाउंट अपनी बॉडी को, मतलब अपनी बॉडी को बेसिकली एक्सपोज कर रहे हो बहुत कम अमाउंट ऑफ ड्रग के साथ, जितनी अमाउंट चाहिए थी आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए.
अगर ओरल रूट से लेते हैं तो बहुत लंबा सर्कल निकाल के आपके ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे रीच करती है, एंड हेयर योर ड्रग इज डायरेक्टली रीचिंग योर साइट ऑफ एक्शन, सो यू आर रिड्यूसिंग इट्स डोज सो मच. सो दैट्स द रीजन व्हाई सम पीपल एनकाउंटर दैट एरोसोल्स बेसिकली रिड्यूसेस द इरिटेशन. जिनमें इरिटेशन होती है वो ड्रग के कारण नहीं होती, वो होती है बिकॉज ऑफ द प्रॉपलेंट, इंडिविजुअल सेंसिटिविटी टू द प्रॉपलेंट. सो इफ आई समराइज विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ माय एरोसोल्स, दिस इज अ कॉस्टली ऑप्शन. आपने एक ड्रग को सिंपल टेबलेट में बनाना था, एंड सेकेंड यू आर फॉर्मुलेटिंग इट इन द एरोसोल सिस्टम, यू रिक्वायर सम स्पेशलाइज कंटेनर, स्पेशलाइज सिस्टम, स्पेशलाइज असेंबली चाहिए, तो ये कॉस्टली होगा ही. नेक्स्ट, वंस यू आर डन विद योर डोजेस विच आर प्रेजेंट इन योर एरोसोल कंटेनर, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज इट. हम लोग तो सिंपली डस्टबिन में से फेंक देते हैं उसको, बट एक्चुअली उसकी डिस्पोजल बहुत मुश्किल हो जाती है उन कंटेनर्स की, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस इट फर्दर. नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी श्योर. एक्सप्लोजिव, सम प्रोपेलेंट्स आर एक्सप्लोजिव इन नेचर, अंडर हाई प्रेशर यू आर पुटिंग योर गैस, सो दे आर एक्सप्लोजिव इन नेचर. नेक्स्ट, यू फाइंड सम फॉर्मुलेशन डिफिकल्टी, अब कौन सा प्रोपेलेंट यूज करना है, एंड सिंपली बाई यूजिंग अ प्रोपेलेंट यू आर एडमिनिस्ट्रिंग योर मेडिकामेंट. ठीक है, आपके पास और एक्सीपिएंट्स नहीं है, सो यू वांट कि आपकी मेडिकामेंट ड्यूरिंग स्टोरेज भी यू नो डिग्रेड ना हो और प्रॉपरली वो डिस्पेंस हो. तो उस रीजन से यू फाइंड कि एवरी मेडिकामेंट कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड इन अ एरोसोल सिस्टम. नेक्स्ट, इट समटाइम्स कैन कॉज टॉक्सिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोज प्रॉपलेट्स, जो कि आपकी गैसेस हैं अंडर हाई प्रेशर.